शहडोल जिले के बुढ़ार थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कोरोना वायरस को देखते हुए शासन की गाइडलाइन तैयार की गई, तो वहीं सार्वजनिक स्थानों में गणेश प्रतिमा विराजमान नहीं किया जाएगा। इसी के साथ ही सार्वजनिक तौर पर ताजिया नहीं निकाल सकेंगे। किसी भी प्रकार का भंडारा लंगर का आयोजन नहीं किया जा सकता। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। इसी के साथ ही घरों में ही गणेश प्रतिमा रखकर पूजन अर्चन करें, तो वहीं 1.5 फीट से बड़ी नहीं होनी चाहिए गणेश प्रतिमा। 2 फीट से बड़े ताजिया बनाए जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। इस अवसर पर तहसीलदार भरत सोनी, थाना प्रभारी महेंद्र सिंह चौहान सहित नगर के प्रमुख गणमान्य मौजूद रहे। प्रशासन शहडोल जिला प्रशासन की ये मंशा है कि इस बढ़ते हुए संक्रमण काल के दौरान यहाँ की सभी लोग सुरक्षित रहें, उसके लिए शांति समिति की बैठक ली गई है। उसमें ये बात सामने रखी गई है, कोई भी धार्मिक आयोजन, जुलूस, सार्वजनिक स्थल पर मूर्तियों की स्थापना या ताजिए की स्थापना ये ना हो, ताकि और आपस में सोशल डिस्टेंसिंग बना के लोग रहें, अपने घरों में मूर्तियाँ या ताजिया रखें और संक्रमण का कोरोना संक्रमण से बचें। मेरा यही संदेश है सभी अपने बुढ़ार वासियों के लिए कि सभी लोग दूरी बना के रखें। इस वर्ष कोरोना महामारी के फैलने में अपने आप को घरों में ही पूजा पाठ करें और अपना त्यौहार मनाएं, बाहर किसी भी हालत में सार्वजनिक आयोजन ना करें।